जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए मतदान संबंधी प्रक्रिया के बारे में मास्टर ट्रेनरों को दिया गया प्रशिक्षण। इस बार के विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन के साथ ही वीवीपैट भी होगा, जिसमें मतदाता ये देख सकेगा कि जिस प्रत्याशी को उसने वोट दिया है उसका वोट उसी को पड़ा है या नहीं। मतदान के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शुक्रवार को मतदान दल के लोगों को सहायक नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें M3 की अपग्रेडिंग वीवीपैट के साथ मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि कैसे वोट डाला जाएगा, कैसे पर्ची निकलेगी, क्या क्या डिस्प्ले होगा, अगर कोई एरर है तो डिस्प्ले पैनल में दिखेगा। साथ ही मतदान से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उसे विस्तार से बताया गया। इस बार 80 मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं और सभी को मशीन चलाकर बारीकी से समझाया भी गया। इस दौरान जिला स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। कंट्रोल यूनिट का है कि वो पहले स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में लग जाएगा, वो प्रमाणीकरण का कार्य करेगा कि जो जो इसमें आवश्यक है वो चीजें इसमें लगी है कि नहीं, और इसके बाद इसमें ऑन प्रोसेस की कार्रवाई होगी। उसमें से एक दो पोलिंग एजेंट को लेके जाए और फिर उनके पास जो उपलब्ध संसाधन है उसे जिस कारण से वो बैलेट बटन दबा है उसको निकाल दे और उसके बाद इम्प्रेस एरर आना बंद हो जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई मतदान केंद्र पर सुचारू रूप से चलने लगी। इन ऑपरेटिंग पहले हम बताते थे एरर दिखाता था, मेमोरी एरर, अब मेमोरी एरर न दिखा के आपको इन ऑपरेटिंग दिखाएगा। ऐसी स्थिति में आप मतदान मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको उसको बदलना ही होगा। ये बैलेट यूनिट के आप देख रहे हैं, आप सब जानते हैं, बस ये थंब व्हील स्विच वहां है। पहले चूंकि चार ही बैलेट यूनिट का प्रयोग करते थे तो उसमें स्लाइडिंग स्विच लगी थी, उसको एक फिर दो तीन या चार पे सेट करते थे। ऑर्गेनाइज्ड हो गया, बैलेट यूनिट 1 जो है वो ठीक है। अगर बैलेट यूनिट 1 नहीं लगाएंगे तो यहाँ दिखा देगा। अगर आप स्लाइड स्विच पैनल, जिसको अब हम थंब स्विच पैनल के नाम से जानेंगे, थंब स्विच पैनल में अगर सही सही वहां स्विच अगर सेट नहीं है तो ये भी उसमें दिखाएगा कि फलाने नंबर का मिसिंग है या फलाना यहाँ दिक्कत है। तो सारी चीजें कहीं भी अगर कोई त्रुटि होती है तो वो आपको डिस्प्ले पैनल में दिखा देगा, जिससे आपके काम में आसानी हो जाएगी।